हेलो गाइस, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक और नई रेसिपी, यानी कि बादामी कोरमा। उसके इंग्रेडिएंट आप नोट कर लें। सबसे पहले हम लेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट 2 चम्मच, हरी मिर्च और नींबू, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, हरा धनिया 1 कटोरी, 2 चम्मच खसखस के, आधी कटोरी बादाम, हसबे ज़रूरत नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच गरम मसाला। इसी के साथ मैंने ये मोटी इलायची, मैं आपको दिखा दूँ, ये हम खोल के डालेंगे, काली मिर्च 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच जो कि मैंने ग्राइंड कर लिया है, आधा किलो दही, और प्याज़ों को मैंने सबसे पहले घी में डाल के ब्राउन, और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। ये हमारे पास 2 अदद प्याज हैं जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया। इसी के साथ हमारे पास है 1.5 किलो चिकन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चिकन को अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सबसे मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया और उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया। अब इसी के साथ अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। इसको हल्का सा हम भून लेंगे। इसी के साथ हम अपना चिकन इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका हल्का गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता चिकन का, हम इसको फ्राई करेंगे। अब गाइस, जितनी देर तक हमारा चिकन जो गोल्डन फ्राई हो रहा है, उतनी देर तक हम बादाम और खसखस की पेस्ट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम ब्लेंडर में बादाम, इसी के साथ खसखस 2 चम्मच और आधा कप पानी डाल के इसकी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हमने मिक्सिंग बाउल में दही डाल ली है, इसी के साथ हम अपनी बादाम और खसखस की पेस्ट डाल देंगे इस तरीके से। इसी के साथ हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे, प्याज़ों की पेस्ट जो कि ग्राइंड किए थे मैंने ब्राउन करके, वो डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद हम अपने स्पाइसेस डालेंगे इसके अंदर, लाल मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च। अब आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, देखिए कितना खूबसूरत उसका कलर आ चुका है। अब इसी के अंदर हमने जो मैरिनेशन तैयार की थी वो इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से। अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। देख सकते हैं कि चिकन जो कि अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें इसी के साथ पानी को शामिल कर देंगे। अब इसको हम पानी को पकने के लिए थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। अब गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार सा बादामी कोरमा जो कि तैयार हो चुका है। देखें इसकी कितनी खूबसूरत लुक आई है। अब इसको मैं एक सर्विंग बाउल में डालूँगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बादामी कोरमा जो कि तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है हमारा आज का कोरमा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई और रेसिपी बनाएँ तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, हम वही रेसिपी आपके लिए बनाएंगे। Thanks for watching this video.